इस वक्त पूरा देश भले ही कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा हो, भले ही पूरा देश लॉकडाउन में हो, बावजूद इसके सरहदों की निगहवानी की तैयारियों पर कोई खासा असर नहीं पड़ा है। ताजा उदाहरण है उत्तराखंड में चीन सीमा पर ट्राई जंक्शन पर बनी सामरिक महत्व की एक सड़क। खास बात यह है कि इस सड़क के बनने से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी अब महज कुछ दिनों में पूरी हो सकेगी। जी हाँ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ गया। अब उत्तराखंड के पारंपरिक लिपुलेख सीमा तक की सड़क बन जाने के बाद तीर्थयात्री सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके एक दो दिन में ही भारत लौट सकेंगे। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिथौरागढ़ धारचूला से लिपुलेख को जोड़ने वाली सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और बीआरओ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह मौजूद थे। करीब 17,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर 80 किलोमीटर लंबी ये रोड कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाले लिपुलेख तक जाएगी। इस रोड का काम कई सालों से चल रहा था, लेकिन ऊंचे पहाड़ और मुश्किल हालात से इसमें काफी दिक्कतें आ रही थी। अभी तक कैलाश मानसरोवर जाने में 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगता है, जबकि लिपुलेख के रास्ते अब महज 90 किलोमीटर की सड़क यात्रा कर कैलाश मानसरोवर पहुंचा जा सकेगा। इस रोड का सामरिक महत्व भी है। असल में इस ट्राई जंक्शन के काला पानी एरिया को लेकर 3 देशों में विवाद चल रहा है। यही वजह है कि भारत को इस जगह तक एक पक्की सड़क बनाने की बेहद जरूरत थी, ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों की मूवमेंट तेजी से की जा सके। उधर मोदी सरकार के एजेंडे में कैलाश मानसरोवर की यात्रियों की सुविधा का मुद्दा हमेशा से अहम रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान भी पीएम मोदी ने सिक्किम में नाथुला मार्ग खोलने का आग्रह किया था। मोदी सरकार की योजना धारचूला में पर्यटक आधार शिविर को विकसित करने की थी, जहां से तीर्थयात्री एक दिन में ही मानसरोवर के दर्शन करके भारत लौट सके। ऐसे में इस रोड के निर्माण के साथ ही पीएम मोदी का ये सपना भी पूरा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट।